नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? क्या उनपे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आदेशों का कोई असर नहीं हो रहा? आपको बता दें कि अभी खबर तुरंत निकल के आ रही है कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। वजह है 28 तारीख यानी कल होने वाले बैठक को लेकर, जिसमें सभी कुलपतियों को बुलाया गया था। शिक्षा विभाग के द्वारा यह बैठक बुलाई गई थी विश्वविद्यालयों में समय पर परीक्षा को लेकर। और बता दें आपको हम कि राजभवन ने कुलपतियों को इस बैठक में शामिल होने से मना किया था और वो नहीं गए। और इसके बाद अभी कुछ देर पहले जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा फैसला लिया गया है और इन सभी पर कार्रवाई की गई है। और यह भी पूछा गया है कि आप पर FIR क्यों न दर्ज की जाए। आपको बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के खिलाफ शिक्षा विभाग के SES के पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के सभी कुलपतियों का वेतन रोक दिया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव को छोड़कर सभी कुल सचिव का भी वेतन रोक दिया गया है। मगर और संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का वेतन रोका गया है। यही नहीं, KK पाठक ने पूछा है कि आप पर FIR क्यों न किया जाए। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षा की समीक्षा को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। राजभवन ने कुलपतियों को शिक्षा विभाग की बैठक में जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद KK पाठक ने बैठक बुलाई थी। अध्यक्षता KK पाठक ही करने वाले थे, लेकिन बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति इसमें शामिल नहीं हुए। राजभवन की रोक के कारण कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक तथा मगध विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर सभी ने इस बैठक में आने से परहेज किया था। आपको बता दें कि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी, फिर से बता दें कि वीर कुंवर सिंह तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग को बता दिया था कि राजभवन से अनुमति नहीं मिलने के कारण वे बैठक में नहीं आ पाएंगे। यहां बता दें कि कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों को बुलाने को लेकर शिक्षा विभाग और उन्हें न आने को लेकर लेटर वार के अलावा अनौपचारिक रूप से पूरी ताकत झोंक दी गई। आपको बता दें कि कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति की जगह कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक पहुंचे थे। मगध विश्वविद्यालय से केवल परीक्षा नियंत्रक ही पहुंचे थे। विश्वविद्यालयों के केवल 3 प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विभाग के आधा दर्जन से अधिक अफसरों ने बैठक की। नाम मात्र की हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने की। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर दीपक कुमार और उनके कुछ सहयोगी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा बुलाई गई कुलपतियों की बैठक और स्कूल की टाइमिंग का आज मामला विधान परिषद में उठा। MLC संजीव कुमार सिंह ने कहा कि कुलपतियों की बैठक में जो अनुपस्थित रहे उनका वेतन शिक्षा विभाग ने रोक दिया, यह सदन की अवमानना है। तो बता दें आपको हम कि KK पाठक जो है वो अपने फैसलों को लेकर काफी बिहार में विख्यात रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में, विधानसभा में यह साफ साफ कहा था कि विद्यालय में शिक्षकों के पहुंचने का समय जो है वो 9:45 और जाने का समय 4:15 है। बावजूद इसके इस पर कोई जो है पत्र जारी करके औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई शिक्षा विभाग के द्वारा। कल एक पत्र वायरल हुआ जिसे शाम को यह कह दिया गया कि ये फर्जी लेटर था। ऐसा कोई भी आदेश जिसमें शिक्षकों के विद्यालय आने का समय 9:45 हो और जाने का समय 4:15 हो, ऐसा जारी नहीं किया गया है। तो वही बता दें आपको हम कि राजभवन से मनाही थी कि शिक्षा विभाग के इस बैठक में कुलपति और जो भी संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है वो शामिल नहीं होंगे, शामिल नहीं भी हुए। 3 व्यक्ति ही शामिल हुए, उनका छोड़ के बाकी सब लोगों के वेतन को रोक दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि आप पर FIR क्यों ना की जाए। तो देखिए ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व जो है एक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है उनका द्वंद्व राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राजभवन से चल रहा है। और देखने वाली बात है कि ये कब तक चल पाता है और कितने टिक पाते हैं KK पाठक इन दो बड़े संवैधानिक इकाइयों के सामने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।